नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है दौसा से। अब खबर यह है कि सामूहिक भोज से फूड पॉइजनिंग के लिए शिकार हुए 500 से ज्यादा लोग। आपको बता दें कि करीब करीब एक दर्जन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाँव में बड़ी तादाद में लोग बीमार बताए जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग। मौके पर पहुंची मेडिकल की टीम। आपको बता दें कि मृत्यु भोज था और इसमें इसका आयोजन किया गया था और मौके पर सैंथल कुंडल और तितरवाड़ा अस्पताल की टीमें मौजूद हैं। रामबास गांव का ये पूरा प्रकरण है। सीएमएचओ भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो 500 से ज्यादा लोग बीमार हुए, करीब एक दर्जन लोगों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। ये इस पूरे मामले में जानकारी आपको दे दें। किसी के मरने पर जो कार्यक्रम भोज का होता है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भोजन करने गए थे। सामूहिक भोज के दौरान फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। दौसा से खबर हम आपको बता रहे हैं, 500 लोग इसमें बीमार हुए हैं, करीब करीब 12 लोग। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो है वो जिनकी हालत गंभीर है उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लक्ष्मी अवतार हमारे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे लेते हैं अपडेट। लक्ष्मी, 500 लोग करीब पर बीमार बताए जा रहे हैं, कितने हॉस्पिटलाइज है, मौजूदा स्थिति क्या है, वजह क्या रही, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ये दौसा जिले के सैंथल थाना क्षेत्र के रामबास गांव का मामला है जहां पर दो दिन से मृत्यु भोज में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था, जहां लोग लड्डू पूरी सब्जी और बेसन के बने भुजिए खा रहे थे। रात्रि में भी वो खाना खाकर सोए थे। सुबह अचानक उनकी तबीयत अधिक खराब होने लगी, उल्टी दस्त की स्थिति बनी तो स्वास्थ्य महकमे को सूचना दी गई। ऐसे में जो सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया वो खुद मौके पर पहुंचे, साथ ही जो सैथल और कुंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां की टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया। तो वही तीसरवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां की टीम भी मौके पर पहुंची और जो गांव के अंदर ही लोगों का उपचार शुरू किया। करीब 500 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तो वहीं कुछ लोगों की हालत जब गंभीर बनी तो उन्हें सैथल और कुंडल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। तो वहीं करीब एक दर्जन से अधिक लोगों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिनका उपचार जारी है। टीम तो कहना है कि जो खाना बनाया गया था, जो खाना बीमार लोगों ने खाया था उसके नमूने ले लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। जांच के बाद ये साफ होगा कि फूड पॉइजनिंग का कारण क्या रहा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सीएमएचओ खतरे से बाहर बता रहे हैं। हालांकि जो मौके पर है फिलहाल वो स्वास्थ्य महकमे की तीन टीमें मौजूद है, वो गांव में उपचार कर रही है और पूरी निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन कहते हैं जो मृत्यु भोज का सामूहिक आयोजन वो दो दिन से खाना चल रहा था, उसी की वजह से ये फूड पॉइजनिंग का मामला बताया जा रहा है। जी लक्ष्मी, तो ये खाना खराब था या पुराना खाना खाने की वजह से हुआ, वजह क्या रही ये बताइए। देखिए जब बड़ी तादाद में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, मृत्यु भोज का आयोजन का, और दो दिन से ये खाने का कार्यक्रम चल रहा था, लोग दो दिन से लगातार वही खाना खा रहे थे। जब बड़ा कोई आयोजन सामूहिक भोज का होता है तो खाने को भी एक दो दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। ऐसे में हो सकता है कि खाने में टाइम ज्यादा हो गया और उस वजह से उनका फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। लेकिन ये है प्रयोगशाला में जो नमूने भेजे जा रहे हैं उसकी जांच के बाद ही साफ होगा कि असली वजह क्या रही। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी बीमार लोग हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जहां अभी हालांकि अभी करीब 250 से 300 लोगों का उपचार जारी है, 500 से अधिक लोग इसे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो 500 से ज्यादा लोग इसमें बीमार हुए हैं, सामूहिक भोज का कार्यक्रम था किसी गांव में, दौसा जिले की ये खबर है। 500 से ज्यादा लोग इसमें बीमार हुए, हालांकि अच्छी चीज ये है कि सभी खतरे से बाहर हैं। कुछ लोगों का जिला अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। मौके पर मेडिकल टीम पहुंची है, मेडिकल हेल्थ से जुड़े तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मौका मुआयना किया जा रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए तो हुए कैसे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।